कि इफ कैरियन द टर्म जो है इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ ए प्लस एक्स टू एक्स की पावर एन। तो देखो, एक ट्रिक मैंने बताई थी कि पावर एन है, ठीक है, तो पहली टर्म की पावर एन ही इंडिपेंडेंट होगी, पहली टर्म ए है तो ए की पावर एन इंडिपेंडेंट होगी। फिर कह रहे हैं कोफिशन ऑफ द लास्ट टर्म इन द एक्सपेंशन, ये भी मैंने बाइनोमियल में ट्रिक बताई थी, टू माइनस एक्स की पावर सेवन है। यहाँ देखो जो एक्स का कोफिशन है ना माइनस वन है, पावर ऑड है तो माइनस वन ही रहेगी। फिर बड़ा अच्छा सवाल था, फंक्शन एफ इक्वल टू एक्स वाई एल वाई एम एक्स रियल नंबर, तो ये लीनियर रहेगा। इफ एफ इज अ ए टू बी डोमेन इज इक्वल टू, तो ये बी हो जाएगा। कॉस थ्री अल्फा का फार्मूला, फोर कॉस क्यूब अल्फा माइनस थ्री कॉस अल्फा। उसके बाद ट्राइंगल में ए बी सी में बीटा का 90 डिग्री है, बी स्क्वायर बराबर है सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू ए सी कॉस बीटा, तो भाई ये कौन सा लॉ है, कोसाइन लॉ है। फिर ट्राइंगल के हवाले से फार्मूला पूछा था कि इन रेडियस का फार्मूला बताएं, तो एरिया अपॉन एस होता है बच्चों।